आज मैंने मेरे ख्याल से आरओ साहब ने मुझसे कहा कि आपका पहला ये नॉमिनेशन है जो प्रेसिडेंटशिप के लिए आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने प्रेसिडेंटशिप के लिए, प्रेसिडेंटशिप और IIC के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। अब मुझे मेम्बरान से सब अपील करनी है कि सपोर्ट करें और यहाँ एक नया विज़न देने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम मेम्बरान के साथ, अपने साथियों के साथ कोशिश करेंगे कि इसको एक नया लुक दें और इस इदारे को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है, इसको एक वर्ल्ड क्लास इदारा यहाँ हम लोग बनाएं। हाँ, मैं हिस्सा था, मैं उस पर इनकार नहीं करता, उस टीम का मैं हिस्सा था। लेकिन मैंने जब रिफॉर्म पुश करना शुरू किया तो मुझे काम नहीं करने दिया गया। मेरा विज़न है, मैं उसको शेयर भी करूँगा, जो मैंने 2019 में ही अपने मेम्बरान से शेयर कर दिया था कि ये मेरा विज़न है। जो एजुकेशन है, जो मुश्तमिल है एजुकेशन पे, जो ट्रेनिंग पे, हारमनी पे, जो यहाँ के अरकान हैं उसके ऊपर मेरा विज़न मुश्तमिल है। मैं उसको शेयर भी करूँगा और मेम्बरान से ये कहूँगा कि आप देखिए कि ये मैंने 2019 में ही तमाम मेम्बरों को ये चिट्ठी लिख दी थी कि ये हमारा विज़न है, इसको हमें यहाँ रिफॉर्म्स भी करने हैं और काम करना है। उस पर इतने जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं वो नाराज़ हुए कि उन्होंने हमारी सेक्रेटरीशिप को भी टर्मिनेट किया और हमारी मेंबरशिप भी टर्मिनेट करी। तो मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया। अब ये मौका है, हम दरख्वास्त करते हैं हमारे तमाम मेम्बरान से कि अगर वो मौका देंगे तो हम यहाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। 30-35 साल का हमारा तजुर्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, सोशल रिफॉर्म का है, स्किल डेवलपमेंट का है, हारमनी पे हमने काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में मैं 6-7 साल था। मैं हज का आई वॉज़ इंचार्ज ऑफ हज, आई वॉज़ इंचार्ज ऑफ वक्फ, आई वॉज़ इंचार्ज ऑफ स्किलिंग। सो बेस्ट ऑफ द एबिलिटी आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड फंक्शन एंड परफॉर्म। अगर नहीं कर सका तो ये भी मैं अपने मेम्बरान को बता दूँ कि हम अपना रेजिग्नेशन लिख के दे देंगे 2.5 साल में। अगर नहीं परफॉर्म कर सके तो यहाँ हमारा मकसद बैठने का बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ से रिज़ाइन करके चले जाएंगे अगर परफॉर्म नहीं कर सके तो।